नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे सफला एकादशी की, कि ये सफला एकादशी कब आती है, इसकी पूजा विधि क्या है, पारण क्या रहेगा, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का क्या महत्व होता है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हेमा शर्मा चैनल पर भी मैंने व्लॉग, रेसिपी और ब्यूटी टिप्स और योगा की वीडियोज़ डालनी शुरू कर दी हैं। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर आप अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। तो जी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और साल की आखिरी एकादशी है। जैसे अगर हमारे देसी महीनों के हिसाब से चले, हमारे पंचांग के हिसाब से चलते हैं, तो इस साल की आखिरी एकादशी नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी महीने हैं जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो सभी लोग न्यू ईयर मनाते ही हैं, तो उस हिसाब से साल की ये आखिरी एकादशी ही है। तो इस एकादशी पर, ये भी आपको बार बार बताती हूँ, कि भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, शालिग्राम जी की, बाल गोपाल की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु को ये व्रत है वो सभी व्रतों में सबसे प्रिय व्रत माना जाता है। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, कृष्ण को, वो भी प्रिय हो जाते हैं। तो आज उसी की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि एकादशी का व्रत मैंने बोला है कि मोक्ष देने वाला होता है, पितरों को तृप्ति देने वाला होता है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी, तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। तो थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं कि जैसे बोला जाता है कि ये व्रत करते हैं तो हमारे जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं, हमारे को पुण्य की प्राप्ति होती है, हजार गायों का जो है उसका मिलता है। तो देखिए, होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मिलता, सब मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो बदलाव आता है एकादशी का व्रत करने से, हमारे अपने अंदर बदलाव आता है, जो कि हमें देखने को मिलता भी है। क्योंकि जब से मैंने एकादशी का व्रत शुरू किया है, मेरे बाल गोपाल जब से मेरे घर आए हैं 2004 से, तब से मैं एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ, तो मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव देखा है, तो जो कि सामने वाले को पता भी चलता है। तो अपने अंदर बहुत बदलाव आता है, क्योंकि जब हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, तो आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी होती है या बुरी होती है, वो हमारे व्यवहार के कारण ही होती है। तो इस व्रत का, यानी कि एकादशी के व्रत करने से हमारे अंदर पेशेंस आती है, सब्र आता है, सहनशीलता आती है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों के, क्योंकि जब व्रत करते हैं तो हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करते हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे वश में होती है। तो पहले तो थोड़ा हमें अजीब लगता है कि हाई ये क्या हो रहा है, व्रत किया, भूख लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम व्रत करते हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं, आपने देखा भी होगा कि जिस दिन व्रत नहीं होता तो हमारा मुँह चलता ही रहता है, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, लेकिन जिस दिन व्रत होता है तो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि आज हमारा व्रत है, आज हमने कुछ भी नहीं खाना। तो इस तरीके से हमने अपनी इंद्रियों को काबू में किया। तो व्रत करने के सबसे ज़्यादा फायदे यही होते हैं कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। और वैसे भी महीने में एक दो व्रत करने ही चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर का शुद्धिकरण हो जाए, मानसिक शुद्धिकरण भी हो जाए, आत्मिक भी शुद्धिकरण हो जाए, और वैसे जो शारीरिक फिटनेस के हिसाब से चलते हैं तो उसका भी हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि जो हमारा बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है। तो हमें व्रत करते रहना चाहिए। तो एकादशी का व्रत इसलिए भगवान श्री हरि को प्रिय है, क्योंकि हम नियमों में बंधते हैं, नियमों में बंधने से हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो वश में होती है, तो इसीलिए व्रत किए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सफला एकादशी कब है। तो जी, सफला एकादशी 30 दिसंबर को है, 30 दिसंबर 2021 साल की आखिरी एकादशी है। तो सभी को ये व्रत जरूर करना चाहिए, जो पूरे साल व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल की आखिरी एकादशी है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना भगवान श्री हरि अधूरे हैं, हरि के बिना माँ लक्ष्मी अधूरी है, तो इन दोनों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो चलिए पूजा विधि शुरू कर लेते हैं। तो पूजा विधि जो होगी वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो
प्याज लहसुन का सेवन दशमी तिथि यानी कि 29 तारीख को ही ना करें। आज ये आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल रही है, लेकिन क्योंकि जो पूजा विधि होती है वो पूरी सेम ही होती है, सब कुछ एक जैसा ही होता है, तो मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। मैं थोड़ा बिजी चल रही थी क्या, बिजी चल ही रही हूँ, इसलिए वीडियो में आपको थोड़ी देरी हो गई है। तो दशमी तिथि से ही व्रत शुरू करें। संध्या के समय आप कोशिश करें दिन ढलने से पहले भोजन कर लें, प्याज लहसुन ना खाएं, खिचड़ी चावल का सेवन ना करें, हो सके तो रात्रि को 2-4 भजन गाकर जरूर सोएं। फिर आ जाती है एकादशी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और जहां आपको पूजा करनी है वहां की अच्छे से साफ़ सफाई करें। और अगर पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी जल्दी सुबह साफ़ सफाई नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, नहा धोकर सबसे पहले जहां आपको पूजा करनी है वहां की साफ़ सफाई करें। वहां पर आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं, वो टोटली आपके इच्छा पर निर्भर करता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की, शालिग्राम जी को या बाल गोपाल को या जो भी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, आप उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। अगर मार्बल की मूर्ति है तो फिर बोल रही मत करवाएं, हल्के से फूल से छींटे मार दें उन्हें। शालिग्राम जी को और बाल गोपाल को आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल डालकर पंचामृत बनाया जाएगा। दूध आपको कच्चा ही चाहिए होगा, तो उससे आप स्नान करवाएं। पीले फल, पीले फूल अर्पित करें और देसी घी का दिया लगाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें कि आपको व्रत कैसे करना है, लेकिन जो भी व्रत करें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया निर्जला करना है तो निर्जला का संकल्प ले लिया, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसा भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। तो संकल्प लेने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु को या बाल गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, तुलसी दल अर्पित उन्हें जरूर करें। हो सके तो तुलसी की माला बनाकर उन्हें जरूर पहनाएं, तो इससे जो भगवान हैं प्रसन्न होते हैं। तो और उसके बाद आपको एक माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की करनी है, जो भी मैंने मंत्र बताया उसकी करें। तुलसी जी में दिया लगाएं, तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की 11 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करें। सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद आपको करनी है कथा। कथा आप जब पूजा करेंगे तभी कर लेंगे। हर एकादशी की जो कथा है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए सफला एकादशी की जो कथा होगी वो भी बिल्कुल अलग से होगी। तो भोग आप लगाएंगे दूध का, फल का, दान भी आपको दूध और फल का ही देना है। जो घर में आप दूध फल भगवान को भोग में देंगे वो घर में आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को आप केले अर्पित कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप पीली चीज़ का दान जरूर करें और मखाने की खीर बनाएं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, माता लक्ष्मी के लिए। तो मखाने की खीर की जो रेसिपी है वो मैं उसकी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आपको जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मखाने की खीर बनाकर अर्पित करें, जो भोग रखेंगे बाद में घर में उस भोग को आप सब खा लेंगे। और थोड़ी सी जो खीर है दान आप अवश्य दें, और जो भी दान दें आपको उसमें दक्षिणा जरूर देनी है। और जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का दान आप जरूर करें। चाहे आप जुराबों का दान कर दें, शॉल का दान करें, कंबल का दान करें, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दान अवश्य करें। तो बाकी एक दो और उपाय हैं सफला एकादशी पर आपको क्या क्या करना है, तो उसके आपको वीडियो के अंत में आपको वो उपाय मिलेंगे, बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहें। तो अच्छे से पूजा करने के बाद आपको जो अभी मैंने बताया कि भोग वगैरह लगाना है, और जो गोपाल जी को भी भोग लगेगा वो भी आपको अन्न का नहीं लगाना है। अगर आप जैसे किसी ने व्रत एकादशी का नहीं भी करना तो पूजा आप विधि विधान से कर सकते हैं और आप अन्न खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सफला एकादशी की पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करते रहें। तो जैसे जब आप सुबह की पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद वहीं पर आपको एक हल्दी लेनी है। हल्दी को कटोरी में थोड़ा सा घोल लेना गंगा जल से। पूजा करने के बाद आपको उस हल्दी वाले पानी को अपने घर के मेन दरवाजे पर छींटे मार देने हैं, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और लक्ष्मी जी का वास बना रहे और आपके घर में जो सकारात्मकता है वो बनी रहे। फिर संध्या होने से पहले जो व्रत कर रहे हैं उनको अपना व्रत खोल लेना है। तो जो व्रत में आपको अगर अन्न तो अगर आपको
फलाहार करना है, फलाहार करें, नमक वाला खाना खाना है जो फलाहारी ही होता है वो खाना वो करें, या दूध फल ही आपको खाने हैं तो दिन ढलने से पहले ये सब आप खा लें। तो संध्या के समय भी आप अच्छे से पूजा करें, मंत्रों का उच्चारण करें, और संध्या के समय जो पूजा करेंगे उसमें आप कपूर जरूर जलाएं, उससे भी सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता जाती है, तो घर में आप कपूर जरूर जलाएं संध्या के समय। हो सके तो रात्रि के समय भजन कीर्तन करके अवश्य सोएं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो जो द्वादशी तिथि पर आपको अपने व्रत का पारण करना है 31 दिसंबर को, तो आपको सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक अपने व्रत का पारण कर लेना है। इस दिन आपको पूजा वगैरह करके अन्न का दान देना है ठाकुर जी को, चावल की चीज़ का बनाकर, कोई भी जैसे चावल बना लिए या मीठे चावल, नमकीन चावल, खिचड़ी बनाकर आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसका दान दें। उसके बाद आपको अपना जो उसके बाद आपको वो भोजन कर लेना है। उसके बाद आपको जो आपने खाना बनाया है चावल का, अन्न का दान देने के बाद आपको वो ग्रहण कर लेना है, फिर आपका जो व्रत का पारण है वो हो जाएगा। तो चलिए एक दो उपाय आपको बता देती हूँ एकादशी तिथि के, सफला एकादशी तिथि के। तो अगर आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लाना है, तुलसी का पौधा नहीं है तो आप सफला एकादशी के दिन सुबह जाकर तुलसी का पौधा लेकर आ सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी सीजन चल रहा है, गेंदे के फूल बहुत आएंगे, और गेंदे के फूल भी आप अपने घर में एकादशी के दिन जरूर लगाएं, क्योंकि जो गेंदे का फूल है वो पीला होता है, तो अपने घर के उत्तर दिशा के अंदर, तो अपने घर की उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ साइड में गेंदे के फूलों का गमला जरूर लगाएं। तो गेंदे के फूलों का गमला वो भी एकादशी तिथि के दिन आप ला सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन ही यानी कि 30 दिसंबर को आप अपने घर के मंदिर में या अपने घर में या घर की छत पर पीले रंग का झंडा जरूर लगाएं, जिसे ध्वजा बोला जाता है, तो पीली ध्वजा आप अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे वो झंडा लहराता है तो हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि आती है और उन्नति होती है। फिर एकादशी तिथि के दिन पीले वस्त्रों का दान करें, हो सके तो पीले अन्न का दान करें, पीले फलों का दान करें, और एकादशी तिथि के दिन ही आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। तो ये थी सफला एकादशी की पूजा विधि। तो बाकी जैसा कि मैंने शुरू शुरू में आप लोगों को बताया ही था कि जो भी व्रत करते हैं, हमारे जो नियम बनते हैं, नियमों में बंधते हैं, इंद्रियां हमारी वश में होती है, तो यही कहना चाहूँगी कि साल की आखिरी एकादशी है, जो भी संकल्प लें हम, तो मैं भी संकल्प जो भी लूँगी अपने विकारों को कम करने का संकल्प लूँगी। तो वैसे भी कुछ लोगों ने मुझे, एक दो सब्सक्राइबर ने बोला हुआ है कि मैम नए साल पर हम कैसे मनाएं, है या नया साल पे हमने ऐसा क्या संकल्प लें जो पूरा साल अच्छा जाए, या ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा पूरा साल सुखमय हो और अच्छा जाए। तो इस पर आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि यहीं बैठे बैठे दूसरी वीडियो भी शूट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज की ये वीडियो है जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।